हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबका? आज मैंने सोचा कि अपनी मॉर्निंग रूटीन आप लोग से शेयर करूं। तो सबसे पहले तो मैं एक ग्लास पानी का लेती हूं। बहुत फुल नहीं करती, कभी फुल कभी हाफ, जितना मेरा दिल करो। और इसके बाद जो है इसमें मैं एक चम्मच जो है चिया सीड्स वो ऐड करती हूं, और थोड़ा सा लेमन। सुबह के टाइम उठ के पानी का एक ग्लास लाजमी पीती हूँ। गरम मैंने स्टार्ट किया था लेकिन फिर छोड़ दिया पीना। अब दोबारा आई थिंक मैं सोच रही हूँ कि गरम स्टार्ट दिन के टाइम, लेकिन हाँ पानी का ग्लास मैं भूखा रह सकती हूँ। लाइक सुबह के टाइम अगर मैं काम में बिजी हूँ, सारा कुछ है, तो मैं भूखा रह सकती हूँ। लेकिन रात में जो है, अगर मैं टीवी देख रही हूँ या ऐसे मैं बैठी हूँ ना, रात में मेरे लिए बहुत मुश्किल है। रात में मुझे बहुत ऐसे कभी स्नैक्स और ये वो चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा वो कर लेती हूँ, लेकिन दिन के टाइम जो है मैं कंट्रोल कर लेती हूँ। इसलिए मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपना जो ब्रेकफास्ट है लेट करूँ। सुभान का ब्रेकफास्ट जो है बचपन से बहुत ट्रिकी रहा है। सुभान जो है एग नहीं खाता था, ये अभी तक माशाल्लाह 7 साल का होने लगा है और अभी तक जो है ना बॉयल एग नहीं खाता है। सुभान जो है फ्राई एंड बॉयल एग तो बिल्कुल नहीं खाता। ऑमलेट मैंने अभी रिसेंटली ट्राई करना स्टार्ट किया है, खा लेता है। स्टार्ट में खाली ब्रेड लेता था और फ्रेंच टोस्ट भी नहीं खाता था। तो मैंने स्टार्ट में ना इसकी थोड़ा सा, पहले मैं इसको खाली ब्रेड देती थी, कभी बटर लगा के उसको गर्म करके खाली ब्रेड खा लिया इसने। कभी कभार ये हुआ कि मैंने, फिर मुझे था कि यार हेल्दी नहीं है ऐसे, कोई एग भी खाना ज़रूरी है। फिर मैंने क्या करना स्टार्ट किया, मैंने ऐसे जस्ट ना लाइटली सा एग थोड़ा सा ब्रेड पर स्प्रेड करके इसको देना स्टार्ट कर दिया, जिसमें कम था एग पहले। फिर जब मुझे लगा अच्छा खाना स्टार्ट कर दिया इसने, फिर मैंने एग ज़्यादा करना शुरू कर दिया। तो अब लाइक दिस इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ फ्रेंच टोस्ट। जस्ट मैं डिप नहीं करती हूँ, लेकिन कोई इसमें ये नहीं है लाइक फ्लेवर नहीं है कोई भी सॉल्ट शुगर कुछ भी ऐड नहीं है। और वैसे भी मैं कहती हूँ, अगर लाइक आप खा लेते हो कम सॉल्ट का या कम शुगर के बगैर चीज़, तो आई थिंक आपको उतना ही नेचुरल रखना चाहिए। क्योंकि मुझे पता है इसमें एग है ना, इसमें सॉल्ट है ना कुछ है, ठीक है। वैसे तो मैं बटर या देसी घी यूज़ करती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास ख़त्म हुआ हुआ है। अब मैंने घर पे बनाना स्टार्ट कर दिया मैं देसी घी। तो अब मुझे क्रीम लेके आनी है, तो मैं फिर उसको जो है दोबारा बनाऊंगी। इस साल भी मैं गई थी पाकिस्तान में, ये कि देसी घी घर का जो है इसकी दादू कई बार निकाल के रख लेती थी, लेकिन क्योंकि मैं फिर रोज़ बनाती थी वो जल्दी ख़त्म हो जाता था। फिर मैंने इस बारी जो है ना यहाँ से लेके गई थी कनाडा से, क्योंकि पाकिस्तान में मैंने जितने लोगों से मंगवाया है देसी घी, वो देसी घी नहीं बनस्पति घी की ज़्यादा स्मेल आती थी, देसी घी तो नहीं आती थी। लाइक शायद उन्होंने थोड़ा बहुत मिक्स किया हो, ये मुझे नहीं पता, लेकिन वैसे नहीं होती थी। तो फिर मैंने यहाँ से जो है ना देसी घी लेके गई थी। बिस्मिल्लाह कल से यहाँ पे टाइम 1 आवर चेंज हुआ हुआ है, और उससे ना ऐसे रूटीन 1-2 दिन सेट नहीं होती है बिल्कुल, समझ नहीं। और वैसे भी उन लोगों के लिए जिन्होंने कुछ भी नहीं करना, घर पे रहना है, उनके लिए बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आती कितने बजे उठ रहे हैं हम लोग। 12 बजे उठ रहे हैं, 1 बजे उठ रहे हैं। कल एकदम से चेंज हुआ, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो अपने हिसाब से उठी। मुझे ऐसा लग रहा जैसे मुझे कुछ नींद अभी भी एक्स्ट्रा आ रही है, समझ नहीं आ रही थी। पराठे बैटर हो गए बना बना के। अब मैं तो इतना नहीं खाती हूँ कभी कभार, जब हस्बैंड का पराठा देख के एक दिल करता है क्रिस्पी सा चलो पराठा हो और भूख ज़्यादा लगी हो, लेकिन बहुत कम। यूजली मैं नहीं खाती वैसे पराठे, मैं शुरू से नहीं खाती थी इतना। वैसे अगर आप रोज़ पराठा खाना शुरू कर दो ना, सीरियसली बहुत वेट बढ़ जाता है। चलो तो हो भी जाता है, लाइक आप पहले कभी ऐसा लगता है आप 3 ब्रेड के स्लाइसेस ले रहे हो, तो फिर जब आप सोचो कि नहीं आप कम नहीं खा सकते हो, फिर आहिस्ता आहिस्ता। मैं तो यूजली यही करती हूँ, मैं एकदम से नहीं छोड़ती। अगर मैंने करना है ना काम, तो मैं एकदम से नहीं छोड़ूंगी। मैं उसको पहले 2 पे लेके आती हूँ, मैं 3 तो खैर खाती नहीं, 2 से या तो पहले 1 पे लेके आती हूँ, फिर उसके बाद 9 ब्रेड अगर खानी है कि किसी दिन नहीं खानी, तो मैं ऑल्टरनेट डेज रखती हूँ कि कभी एक किसी दिन ब्रेड खा लिया, किसी दिन नहीं खाया। क्योंकि आपका है कि कार्ब्स एंड नो कार्ब्स, लाइक कार्ब्स टू बी ऑनेस्ट इतना को फ़र्क नहीं आपकी डाइट में लेके आते हैं, जस्ट दैट कि आप हेल्दी कार्ब्स खाओ, ठीक है। और दूसरा ये कि आप अपनी कैलोरीज जो है ना कंट्रोल रखो, ठीक है। अगर आप कैलोरीज कंट्रोल रख रहे हो ना, तो आप कार्ब्स भी खाओ, रोटी भी खाओ, कोशिश करो छोटी रोटी खाओ, क्योंकि बड़ी खाओगे तो ऑब्वियसली आपको उतनी ही ज़्यादा कैलोरीज हैं, उतनी एक्स्ट्रा है। घर का खाना अगर आप चाहते हो इन्जॉय करना, नहीं छोड़ना चाहते। अब कई लोग डाइट इस चक्कर में कि यार हम लोग सैलड नहीं खा सकते, हम लोग चिकन नहीं खा सकते, मत खाओ, अपना घर का खाना खाओ, ठीक है। लेकिन कोशिश ये करो कि जहाँ आपने ऑयल जितना लेते थे उसे हाफ़ कर दो,
हाफ से फिर और कम कर दो जितना हो सकता है। मैं ये था घर पे खाना बनाती थी, तो मैं अगर कुछ भी वेजिटेबल भी बननी है अलग से, तो मैं उसको थोड़ा सा फ्राई पैन में अलग से ऑलिव ऑयल लेके अपने लिए अलग थोड़ा बना लेती थी। तो वो फिर क्योंकि आप वाकई टू बी ऑनेस्ट लाइक हम लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा है, हम लोगों की डाइट ऐसी है कि हम लोग घर का जो सालन और ये चीज़ें लॉन्ग टर्म नहीं छोड़ सकते हैं क्या, क्योंकि हम लोगों को वो जो बचपन से आदत है खाने की, बिरयानी और कढ़ाई और ये सारी चीज़ें, सब्जियाँ वगैरह, वो चीज़ दाल चावल ये चीज़ें ना हम लोग एकदम से छोड़ के सिर्फ फिश एंड उस पर स्टेक्स एंड सिर्फ उस पर वेजिटेबल्स उस पर नहीं आ सकते हैं। लाइक ठीक है, एक बार अगर आप वेट कम करना चाह रहे हो, कम करने के लिए करो, मंथ टू मंथ करो, और उसके बाद जो है फिर अपने नॉर्मल खाना खाओ, लेकिन कंट्रोल पोर्शन कंट्रोल करो। तो अभी तो लगाई थी उस दिन, चला दूं यहाँ से बटन वैसे ही। ब्रेकफास्ट हो गया, अब क्लीनिंग करने लगी हूँ मैं। ऐसे कभी कभार मेरा अगर डिटेल क्लीनिंग नहीं करने का मूड होता तो मैं यही यूज़ करती हूँ, इससे मॉपिंग भी हो जाती है एंड रूम भी। आजकल जो है मैं बायोटिन भी ज़रूर ले रही हूँ, मैंने बीच में छोड़ती थी लेनी तो मेरे काफ़ी जो है ना हेयर फॉल स्टार्ट हो गया था, और मैं पहले वाली जो है ना वो 10,000 MCG ले रही थी, और 10,000 ज़्यादा बेस्ट है, और ये क्योंकि मैं 5,000 आ गई उसी में सोची, मैंने कहा ये बायोटिन ना अब ये चलो अब ये है इसको फिनिश हो जाएगी फिर दूसरी लेना स्टार्ट करूँ। फिर अचानक मुझे आइडिया आया, मैंने कहा कि यार मतलब इसको मैं अगर दो ले लूँगी तो 10 बन जाएगा, तो ये काफ़ी देर बाद मुझे समझ आई थी, तो मैंने कल से जो है ना दो लेनी स्टार्ट किया, तो आज भी अभी ये भी मैं लाजमी अपनी, या तो मॉर्निंग या नाइट जब भी मुझे याद आता है मैं खाती हूँ, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं रखा मैंने, जब भी याद आता है मैं खा लेती हूँ। Good job. ऊपर नहीं करते। इसलिए मैं छुपता हूँ। जी। Thank you, Rohan. तो ये थी मेरी आज की मॉर्निंग रूटीन, तो मैंने आप लोगों के साथ अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर की है, और इसके बाद अब मैं फ्री हूँ, मैंने क्लीनिंग कर ली है, अब मैं थोड़ी देर तक सुबहान को होमवर्क करवाऊँगी, और हो सकता है कुछ मेकअप लुक करूँ ट्राई, या फिर व्लॉग एडिट करूँगी, तो बस ऐसे ही दिन गुजर जाता। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ डू शेयर इट, डू लाइक इट, डू कमेंट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।